जनवरी के महीने में कई फिल्मों ने सिनेमाघर में दस्तक दी। इनमें से मेन रही फाइटर, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, मेरी क्रिसमस 12 जनवरी को रिलीज हुई थी, मैं अटल हूँ 19 जनवरी को रिलीज हुई थी, और साथ ही हनुमान अगेन 12 जनवरी को। इन फिल्मों को देखकर ये कहा जा सकता है कि 2024 की शुरुआत भारतीय सिनेमा के लिए काफी अच्छी रही। इन सभी फिल्मों में से जनवरी के महीने में रिलीज हुई फिल्म हनुमान इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर बनी। वहीं फाइटर भी अपनी कास्ट से लेकर डायरेक्टर तक हर चीज के लिए काफी चर्चा में बनी रही थी। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर, और साथ ही सबकी फेवरेट बनी और तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान, दोनों का बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन जो कि अब तक हो पाया है, तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं अंशिका। सिद्धार्थ आनंद हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल रिलीज हुई उनकी पठान ने टिकट खिड़की पर गर्दा उड़ा दिया था। अपनी नई फिल्म फाइटर के लिए भी निर्देशक ने फिर से वही तारीख चुनी थी, लेकिन इस बार उनकी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। शानदार ओपनिंग मिलने के बाद वीकडेज में फिल्म की रफ्तार काफी कम हो गई। पहले वीक में जहां फिल्म ने 146.5 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे वीक में फिल्म की रफ्तार में थोड़ी तेजी जो की है दिखाई दी थी। शुक्रवार को यानी कि 9th डे फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। वहीं 10th डे फिल्म ने थोड़े सुधार के साथ 10.5 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। इसके साथ ही फिल्म की टोटल कमाई अब 162.75 करोड़ रुपीस हो गई है। माना जा रहा है कि रविवार के दिन कमाई के आंकड़े में अच्छा खासा सुधार जो की है दिख सकता है। साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड फाइटर के कुल कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने अब तक 262 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं अब अगर तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते बाद भी हनुमान का ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन जारी है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 99.85 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 58.65 करोड़ रुपीस का जो कि कारोबार किया था। वहीं तीसरे हफ्ते में फिल्म ने अपना जलवा जारी रखते हुए 23.3 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया है। चौथे शनिवार को फिल्म ने 3.48 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 185.30 करोड़ रुपीस हो गई है। फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि ये जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े को आसानी से छू सकती है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि अगर आपने फाइटर और हनुमान दोनों में से कोई भी मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी मूवी, और अगर दोनों देखी है तो बताइए कि किसका ज्यादा जलवा जो कि है रहा आपके हिसाब से। जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।